ओम शांति, जय श्री कृष्णा। आज आप सभी जानते हैं, जैसे 6 नवंबर से 10 नवंबर तक जो जींद हरियाणा में शिविर लगने वाली है, उसी यात्रा में हम निकल पड़े हैं कल से। और आप जो ये स्थान देख रहे हैं, वह एनडीएस का हेल्थ सेंटर है और काफ़ी समय से ये हेल्थ सेंटर चल रहा है और हजारों लाखों लोगों को ये प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। और जो भी हम आज एनडीएस में, जो सशक्त और वॉलेंटियर एनडीएस की सेवाओं में लगे हैं, उनका यहाँ आना न हुआ होगा, वो मैं समझता हूँ असंभव है। ये प्रेरणा का स्रोत है और सभी को एक मोटिवेशन देने वाला ये सुंदर स्थान है। तो हमारी पोरबंदर की युवा टीम, वी आर वेरी वेरी थैंक्सफुल टू मिस्टर किरण भाई, राजेश भाई पटेल एंड दिनेश भाई पटेल, के जो हम कल रात से यहाँ आए हैं और यहाँ ही रुके हैं, भोजन किया एनडीएस रिलेटेड, और आज दोपहर के बाद हम निकलने वाले हैं जींद हरियाणा की ओर। तो मैं खास यहाँ राजेश भाई को अक्सर ही मैंने वीडियो में देखा है, किरण भाई भी बस एक दो बार मिलना आपसे भी हुआ है वडोदरा में, तो काफ़ी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और अहमदाबाद जैसे मेगा सिटी में जो लोगों को अपने लिए वक्त ही नहीं है, अपनी सेहत के लिए भी वक्त नहीं है, और ये भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पैसे कमाने के चक्कर में अपना स्वास्थ्य गिरवी रख कर भी पैसे कमा लेते हैं, लेकिन अंत में स्वास्थ्य ही नहीं। लेकिन आज जो हमारे रिस्पेक्टेड मिस्टर दिनेश भाई पटेल, राजेश भाई और किरण भाई, वाकई ही काबिले तारीफ हैं, लाजवाब हैं, जो लोगों को स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन और सही दिशा दे रहे हैं। इस मौके के ऊपर हम बीवी चौहान सर को भी याद करना चाहेंगे कि जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया है, स्वास्थ्य का परम है, उच्च रास्ता है, और उसी हिसाब से हम अपनी तरफ से सभी दिशाओं में, ईस्ट और वेस्ट, सभी लोग जो भी अच्छी तरीके से समझे हैं, वे अपने अपने तरीके से ये काम कर रहे हैं। आप जो ये देख रहे हैं राजेश भाई का योगाहार हेल्थ सेंटर, हम भी यहाँ पहली बार ही आए हैं। सारी चीजें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की हुई हैं, पोस्टर लगे हैं, और लोगों को बैठे बैठे ही बिना सुनाए भी काफी सारा नॉलेज मिल जाए, ऐसा उनका आयोजन है। आप ये जो रूटीन में प्रोडक्ट पे देख रहे हैं, तो आज के जमाने में मनुष्य को अपने लिए वक्त भी नहीं है कि वो बाजार से जाके अपने लिए हरी पत्तियां ले ले या फिर किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन वाली चीजें खाएं। तो इस भाग दौड़ भरी, दौड़ धाम भरी जिंदगी में अहमदाबाद जैसे सिटी में ये इजी ऑप्शन भी उसने सभी ने रखे रखे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो जब हमको अपने लिए मौका मिले, अपने लिए वक्त मिले, तो वक्त निकाल कर सीधा जो कुदरत दे रही है, गॉड गिवन, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम इन चीजों से भी लाभ उठा के हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो किरण भाई, खास आपसे कन्वर्जेशन करना चाहेंगे, हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है, अपना अपना जो रोल है इस सेवाओं में, ये विशेष होता है। तो ज्यादातर लोग हम सुनते हैं कि लाचारी में और बहुत बीमार होने की हालत में ये एनडीएस को आते अपनाते हैं हैं, मोस्टली। मोस्टली ऐसे 99% लोग। लेकिन किरण भाई जैसे लोग काफी कम होंगे जो अपना पेशन चुना है इस सेवा को, और खुद अपने पास्ट लाइफ में कोई इतने बीमार नहीं थे, फिर भी ये एनडीएस में ये वॉलियंटर कहेंगे, और पूरा डेडिकेशन के साथ जो इन्होंने सेवाएं दी है अहमदाबाद जैसे बड़े शहर में, वो वाकई ही वंडरफुल है। मेरे को थोड़ा नया लगा कि आपको कोई कुछ भी तकलीफें भी नहीं थी, फिर भी इस चीज से अच्छे तरीके से आप जुड़े हैं। तो वाकई ही एक सेवा का भाव जो है आपके अंदर मैंने महसूस किया है, और आप बहुत प्रैक्टिकल भी हैं कि अच्छे तरीके से किसी भी रिजिडनेस को छोड़ के लोगों को समझाते हैं, वो बहुत बढ़िया है। तो
आपका यहाँ का परिचय और यहाँ की एक्टिविटियाँ क्या होती है, किस तरीके से होती है, वो थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे। किरण भाई सबको नमस्ते। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शरीर का स्वास्थ्य ही सबसे जरूरी है, जो अंत तक आपको साथ देगा। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपके पास लाखों रुपए हो, लाखों रिश्तेदार हो, पर आपकी जिंदगी भर सेवा कोई नहीं करेगा। ना वो पैसे काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे, कुछ दिन में सब थक जाएंगे। तो अगर अपनी जिंदगी अच्छी जीनी है आखिरी तक, और बिना किसी खर्च के, ऐसा नहीं है कि अपने को इसके लिए कोई बहुत ज्यादा खर्च करना है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास और अवेयरनेस और कुछ अपना लोगों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ एलोपैथी में अगर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं तो हमको स्वास्थ्य मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज इतने समय से जितनी भी अपने ट्रीटमेंट की थेरेपी चल रही है, लगभग 100-150 प्रकार की थेरेपी सब चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रोग तो बढ़ते चले जा रहे हैं। तब दिमाग में एक बात आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये तो हम सबका सौभाग्य है, और मेरा तो खास कि एक बार YouTube में देखा और NDS के बारे में जानकारी हुई, तो चौहान साहब की शिविर अटेंड करने के लिए नासिक मैंने बुक किया और आने के लिए निकला। लेकिन उसके पहले देखा कि एक दिन अहमदाबाद में भी है राजेश भाई का, तो मैं बोला समय का सदुपयोग किया जाए। और मैं बोलते हैं ना, जा चाह वहां रहा, ऊपर वाला अपने आप बोलते हैं ना सब व्यवस्था करता है। तो जब इंटरेस्ट इस लाइन में था तो ऑटोमेटिक अहमदाबाद, जहां मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं, और कहां उड़ीसा से अहमदाबाद आ गया। अब एक दिन की राजेश भाई की शिविर अटेंड करने के बाद में फिर इतना ज्यादा मतलब प्रभावित हुआ उनसे कि आगे जिंदगी भर ऐसा लगता है कि सबको, अगर अपन खासकर नई जनरेशन को इसका नॉलेज मिले कि भाई NDS क्या है, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सके बिना किसी ज्यादा प्रयास किए हुए। उसके पहले तो मैं समझता था कि योग प्राणायाम से ही सिर्फ ठीक रह सकते हैं, उसके बिना ठीक रह ही नहीं सकते। तो योग पे इंटरेस्ट था तो योग में भी सब कुछ किया, लेकिन देखा कि उसके बावजूद भी लोगों को प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन जब से NDS में आया तो ऐसा लगता है कि लाइफ एकदम इजी हो गई है। सही तो ऐसा लगता है कि नई जनरेशन को और खासकर नए स्कूल्स और कॉलेजों में इसका नॉलेज मिलना चाहिए, इसको तो पाठ्यक्रम में लेना चाहिए, ताकि कहा, बचपन से सबको पता चले कि अपने शरीर को संभालना कैसे। हम देखते हैं कि गाड़ी लेंगे तो कैसे चलाना सीखना पड़ता है, कोई मशीन लिए तो कैसे चलाना पड़ा, उसका मैनुअल आता है उसके साथ, वैसे ही अपने शरीर को कैसे चलाना है इसके बारे में तो बेसिकली नॉलेज घर पे मिलना चाहिए। तो देखा जाए तो आजकल माँ बाप भी बच्चों को नहीं संभाल पा रहे, कितनी गलत खान पान की व्यवस्था हो गई कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। क्या होगा भविष्य अपने देश का पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता है, चिंता होती है। और उसमें हमको ये एक रास्ता मिला है यहाँ आने के बाद, चौहान साहब मानना पड़ेगा, और युग पुरुष ही कहेंगे, ये जो NDS की सिस्टम दिए है उन्होंने, और उसके प्रचार प्रसार में अपने जिग्नेश भाई जैसे एकदम अच्छे लोग लगे हुए हैं इस प्रचार प्रसार में, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका जानकारी मिले, और उनकी पूरी टीम बहुत ही प्रशंसनीय काम कर रहे हैं उन लोग, तो हो सके तो सबको इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए। अहमदाबाद में लगभग 2015 से ये सेंटर चालू हुआ है, जिसमें दिनेश भाई ने अपना, श्रीराम फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रमुख हैं, जिन्होंने अपना योगदान दिया है यहाँ पे, और फाइनेंशियली जितना हो सके उन्होंने मदद की है। उसके बाद राजेश भाई जो कि एक सिविल इंजीनियर होते हुए अपनी जॉब छोड़ के, और वो भी समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो NDS में जो उन लोगों, उनको लगा कि नहीं इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो साइंटिफिकली और ज्यादा क्या लोगों को हम बता सके समझा सके, तो उन्होंने NDS में थोड़ा और सुधार करके उसको अपना योगाहार के नाम से लोगों को समझा रहे, लेकिन है दोनों बातें एक ही।
चाहे एनडीएस में न्यू डाइट सिस्टम बोले, नई भोजन प्रथा बोले, या नेचुरल डाइट सिस्टम बोले, या योगाहार बोले, बातें अलग अलग है। वैसे ही लोग इसमें कई अलग अलग नाम से, सात्विक मूवमेंट है, ओजस लाइफ है, इस तरीके से सब अलग अलग नाम से कर रहे, लेकिन प्रचार सब एक ही चीज का है। फिर इसमें थोड़ा सा मॉडरेट हुए विश्वरूप राय चौधरी, जो डीआईपी डाइट बोलते हैं, तो थोड़ा सा उससे रिलैक्सेशन उसमें दिए हैं। लेकिन सबसे टॉप में अगर देखा जाए तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए एनडीएस से बेस्ट कुछ नहीं। वेरी गुड। तो किरण भाई आपका यही कहना है कि कबीर कुआ एक है, पनिहारी अनेक है, और बर्तन सबके न्यारे हैं, पानी सब में एक है। तो सभी अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी नाम से काम कर रहे हैं, ओवरऑल अच्छा काम कर रहे हैं, फायदा देने वाली चीज है, और रिटर्न टू नेचर, प्राकृतिक जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाओ। जितना भी हो पड़े उतना कच्चा भोजन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपर वाले के द्वारा पकाया गया पकाया हुआ। कहते हैं कि भगवान ने तो स्वास्थ्य ही पकाया है, लेकिन हम बीमारी पकाते हैं, चूल्हे पे चढ़ा चढ़ा के सारी चीजें, बीमार होने के लिए प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल। और एनडीएस फ्रेंड्स मींस रियल हैप्पीनेस, आपसे मिलकर भी हमें सही अर्थ में खुशी का एहसास हुआ, जहाँ का माहौल भी एकदम पॉजिटिव और बहुत बढ़िया है। तो हम तो अहमदाबाद वासियों को भी खास कहना चाहेंगे कि जो भी स्वास्थ्य के विषय में जूझ रहा है, तो इस योगाहार अहमदाबाद सेंटर जो चल रहा है, उसकी अवश्य ही मुलाकात ले। पोरबंदर आना हुआ तो आप मोस्ट वेलकम, हमारे वहाँ एक डिटॉक्स सेंटर चल रहा है रेसिडेंशियल, आप वहाँ भी आ सकते हैं। तो अभी काफी सारी बातें हो चुकी, अंत में अगर घर बैठे बैठे भी आप एनडीएस को अपनाना चाहते हैं, कहीं भी जाने लायक नहीं बचे हैं, या कहीं जाना नहीं चाहते हैं, स्वास्थ्य के विषय में शिविरें भी अटेंड करना नहीं चाहते हैं, तो ये एनडीएस एक ऐसी जादू की छड़ी है जो घर बैठे बैठे यूट्यूब के वीडियो के ऊपर भी आज लाखों लोग ठीक हो रहे हैं। तो आप हमारी इस डिवाइन लाइफस्टाइल यूट्यूब जो चैनल चल रही है, तो उस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ जुड़े आप, और चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें, तो जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। अभी 6 नवंबर से 10 नवंबर के सारे वीडियो आपकी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। तो बस आप सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हुए इस उदाहर सेंटर से मैं जिग्नेश छिलावड़ा, किरण भाई, सबको प्रणाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलके खुशी हुई जी।